नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दोस्ती में बदली दुश्मनी। 7 साल बाद फिर साथ आए ईरान और सऊदी अरब। चीन ने कराई दोस्ती। ईरान और सऊदी अरब के वजरा खाजा ने जमेरात को बीजिंग में मुलाकात की। रमजान के महीने में सालों की दुश्मनी भूलकर दो मुस्लिम ममालिक ने हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने सफाती ताल्लुकात को बेहतर बनाने का फैसला मार्च में ही कर लिया था। अब दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने चीन की राजधानी बीजिंग में मीटिंग की है। बताया जा रहा है कि 7 साल बाद दोनों ममालिक के लीडरों की ये पहली ऑफिशियल मुलाकात है। सऊदी अरब के चैनल अल खबरिया ने दोनों लीडरों की बीजिंग में मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। अल खबरिया के जरिए शेयर की गई तस्वीर में सऊदी अरब के वजीर खारजा और ईरान के वजीर खारजा नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों ममालिक की मुलाकात के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं ईरान का एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सफारतखाना को लेकर गुफ्तगू हुई है। अब सवाल ये है कि इन दोनों ममालिक की दोस्ती की कोशिश आखिर चीन क्यों कर रहा था? माहरीन की माने तो चीन को लगता है कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से उसको फायदा हो सकता है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक तेल के पैदा करने वाले बड़े ममालिक हैं। चीन को लगता है कि इन ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होने से उसको तेल की अच्छी सप्लाई हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन मुस्लिम ममालिक में अमरीकी गिरफ्त को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी तीसरी मुदत काल में शी जिनपिंग ने ग्लोबल इनिशिएटिव की बात भी कही थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।